क्या हो गई, आदिवासी लोगों के जीवन बहुत दयनीय हो गई, और इसका प्रभाव हमारे समाज उनके समाज पर किस तरह पड़ा उसके बारे में सुनेंगे हम लोग। दी स्मॉल ट्रैक्ट ऑफ लैंड गिवन टू दी कल्टिवेटर डिड नॉट प्रोड्यूस एनफ फॉर देयर फैमिलीज। जो जमीन उनको दिया गया है कि जोत के आबाद करने के लिए, वो जमीन से जितना उपज होता था वो उपज से है ना वो अपना परिवार, ये आदिवासी लोग अपना परिवार नहीं चला सकते थे, इसीलिए कि उसे बहुत कम उपज होता था। एज ए रिजल्ट सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैड टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। ऐसे इसके कारण क्या होगा, जो इनके परिवार के जो सदस्य थे वो है ना अपने जीविका के खोज में ना जंगल छोड़कर दूसरे जगह पर मजदूरी करने के लिए बहुत दूर इनको जाना पड़ता था। दिस रिजल्टेड इन द ब्रेकडाउन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। इससे जो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम उनके जो बनी हुई थी, बहुत अरसों से बनी हुई थी, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम उनका आदिवासी लोगों का ब्रेकडाउन हो गया। वाइल सम ट्राइबल्स वेयर डिजिनेटेड बाई द ब्रिटिश एज ए चिफ्टियंस, दी अदर्स वेयर कॉल्ड लेबरर्स। और अंग्रेज सरकार अपने निजी यूज के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदा के लिए कुछ आदिवासियों को चिफ्टियंस के रूप में बहाल किए थे और दूसरे को लेबर्स के रूप में आप उसका उपयोग करते थे। चिफ्टियंस लुक्ड आफ्टर द रिजर्व लैंड्स व्हाइल द लेबरर्स प्रोड्यूसेस सर्विसेज। चिफ्टियंस का काम क्या क्या था, और वो किसकी देखभाल करती थी, जो रिजर्व लैंड्स होते थे उसका वो देखभाल करता था और लेबर्स उसी लैंड में मजदूरी करते थे। दिस लेड द इमर्जेंस ऑफ क्लास विद इन द ट्राइबल सोसाइटी। इससे क्या हो गया, ट्राइबल सोसाइटी में दो वर्ग का निर्माण हुआ। पहले सब बराबर थे, अब यहाँ पर वर्गीकरण हुआ, तो क्या हो गया, समझ गया ना। इससे भी बहुत बड़ा नाराजगी है ना ये आदिवासी समाज में बढ़ते हुए उभर रहा था। ट्राइबल रेस्पॉन्स थ्रू द रिवोल्ट। आप ट्राइबल ने आदिवासी लोग सोचे क्या कि नहीं, इनकी हर बात को मान रहे हैं तो हम बुरी तरह से त्रास हो रहे हैं और खाने के लाले पड़ रहे हैं, हम बहुत मजबूर हो गए, हमारे आजादी खत्म हो गई, हमारी जीविका का स्रोत खत्म हो गया, हमारे आमद खत्म हो गए हैं और हमारे सिर पर है ना कर्जा लद गया है और हमारे शोषण हो रहा है। तो इस सब को खत्म करने के लिए वो लोग एक माध्यम को चुने, वो माध्यम क्या था, विद्रोह। द इनिशियल रेस्पॉन्स ऑफ मेनी ट्राइबल ग्रुप्स केम एज द आर्म रिवोल्ट अगेंस्ट देयर ऑपरेसर्स। और ये लोग सोचे कि नहीं, अब हमें जो शोषण कर रहा है उसके विरुद्ध हमें क्या करना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए। और विद्रोह में क्या करना चाहिए, वो आर्म रिवोल्ट करना चाहिए। आर्म रिवोल्ट मतलब शस्त्र का उपयोग करके हमें जो दबा रहे हैं, हमारा जो शोषण कर रहे हैं उसके उसका हमें विद्रोह करना चाहिए। सम फीचर्स ऑफ द रिवोल्ट कैन बी आइडेंटिफाइड एज फॉलोज। और कुछ फीचर्स है रिवोल्ट का, उसके बारे में पॉइंट वाइज दिया गया, सुनिए। दीज रिवोल्ट वेर नॉट सपोर्टेड बाई नॉन ट्राइबल ग्रुप्स। और जो ट्राइबल ग्रुप ने जो रिवोल्ट किया उस रिवोल्ट को है ना जो नॉन ट्राइबल ग्रुप था वो सपोर्ट नहीं किया। ऑल द रिवोल्ट्स आइडेंटिफाइड देयर टारगेट क्लियरली। और सभी रिवोल्ट जो हुआ उसके टारगेट है ना अच्छी तरह से वो टारगेट को आइडेंटिफाई कर लिया गया। मोस्ट ऑफ देम वेर रूटेड इन देयर रेस्पेक्टिव ट्राइबल बिलीफ सिस्टम। और बहुत सा आदमी है ना अपने जो ट्राइबल सिस्टम था उसके तहत है ना वो लोग आगे बढ़े। इन मोस्ट केसेस वायलेंट मेथड्स वेर यूज ओनली ऑन दी लास्ट रिसोर्ट। और ये लोग है ना अंतिम दशा में आकर क्या करते थे, ये लोग वायलेंट मेथड्स को उपयोग करते थे। वायलेंट मतलब हिंसा, हिंसा के तरीका को अपनाते थे अंतिम दशा में। हाउएवर द ब्रिटिश ऑफिसर ऑफन पोर्ट्रेट देम एज ए अपराइजिंग। और अंग्रेज सरकार है ना इस को है ना क्या किया, ये लोग को इन लोग का रिवोल्ट को दबाने के लिए बहुत से लोगों को है ना बंदी भी कर दिया, बहुत से लोगों को जान से भी मार दिया और उनके ऊपर है ना शक्ति से पेश आया। मोस्ट ऑफ देम वेर रूथलेसली सरप्रेस। बहुत से लोगों का है ना बेरहमी से दबा दिया गया, मार दिया गया, बंदी कर दिया गया अंग्रेज सरकार द्वारा। हाउएवर द ब्रिटिश डिड एक्सेप्ट सम डिमांड्स। बाद में है ना कुछ मांगों का, आदिवासियों का कुछ मांगों को अंग्रेज सरकार ने स्वीकार किया। कोल्ड रिवोल्ट 1825 से 1827 तक और 1830 से 1832 के बीच में कोल जाति के लोग है ना विद्रोह किया। वो कैसा था, कहां पर हुआ था, सुनेंगे। दी कोल्स इनहैबिटेड ए लार्ज पोर्शन ऑफ दी छोटा नागपुर रीजन। और ये कोल जाति के आदिवासी
अधिकतर कहाँ रहते थे, छोटा नागपुर के प्रांत में रहते थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम दे डिड नॉट अलाउ एनी स्ट्रेंजर्स टू एंटर देयर टेरिटरी। बहुत लंबे समय तक किसी अजनबी को है ना अपने इलाका में ये जाति के लोग आने नहीं देते थे। द अटेम्प्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल टू एंटर देयर टेरिटरी वॉज मेट विथ थ्रू रेसिस्टेंस। और है ना सिर्फ ये अंग्रेज के जो पदाधिकारी होते थे वो जोर जबरदस्ती के साथ और पूरे शस्त्र और बल के साथ है ना इनके इलाका में प्रवेश किया। इवेंचुअली कोल सरेंडर इन 1927। बाद में है ना इनको दबा दिया, जिसके जरिया 1927 ईस्वी में वो लोग सरेंडर कर गए। हाउएवर दे सून ज्वाइंड द रिवोल्ट ऑफ मुंडास इन द छोटा नागपुर रीजन इन 1830 एंड 31। बाद में यही कोल जाति वाला जो मुंडा जाति के आदिवासी लोग जो विद्रोह करना शुरू किया, तो उसी विद्रोह में एक कोल जाति के लोग भी शामिल हो गए। जो विद्रोह हुआ था 1830 से लेकर 32 ईस्वी तक ये विद्रोह चला। सून द रिबेलियन स्प्रेड ओवर ए वास्ट एरिया। ये विद्रोह है ना एक बड़ा प्रांत बड़ा एरिया में फैल गया। आफ्टर ए एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन द रिवोल्ट वॉज सरप्रेस इन मार्च 1930। तो ये रिवोल्ट बहुत बड़ा रिवोल्ट के रूप में धारण कर लिया, बड़ा विद्रोह के रूप में धारण किया। और ये विद्रोह है ना बड़े पैमाने पर चलने लगा और अंग्रेज सरकार को है ना अपने है ना बड़े पैमाने पर है ना इसको दबाने के लिए है ना मिलिट्री ऑपरेशंस करना पड़ा, जिसके जरिया से क्या हुआ समझ गए ना। 1832 ईस्वी में यह विद्रोह है ना समाप्त हो गया। बाद में खोंड रिवोल्ट इन 1846। बाद में खोंड जाति के लोग है ना 1846 में विद्रोह किया था। द कोंड्स ऑफ ओडिशा रोज इन रिबेलियन 1846। ये कोंड जाति के आदिवासी कहाँ रहते थे, ओडिशा में रहते थे। इन्होंने 1846 ईस्वी में विद्रोह शुरू किया। दे फियर दैट द ब्रिटिश वुड अप्रोप्रिएट देयर लैंड, यूज देम एज ए फोर्स लेबर एंड इम्पोज हेवी टैक्सेस। और ये कोंड जाति के लोग को एक भय था क्या कि उन्हीं का जमीन को अंग्रेज लेकर और उनको है ना उन्हीं के जमीन को अंग्रेज सब लेकर उसी जमीन पर है ना उन्हीं के जमीन पर उन लोगों को है ना अंग्रेज सरकार ने लेबर के रूप में उनसे खटा के है ना उनके ऊपर है ना बड़े पैमाने पर है ना कर लाद कर है ना उनसे वसूला जाएगा। और यही भय के कारण ये लोग क्या किए, खोंड जाति के लोग है ना विद्रोह करना शुरू किए। द रिवोल्ट स्टार्टेड विद द खोंड्स अटैकिंग द ऑफिस ऑफ कैप्टन मैकफर्सन। और ये खोंड जाति के लोग विद्रोह शुरू किया, सबसे पहले है ना किसके ऊपर हमला किया, कैप्टन मैकफर्सन के ऊपर और उनके दफ्तर के ऊपर हमला किया। दे कंपेल हिम टू रियलाइज देयर चीफ एंड अदर खोंडमैन। और बाद में ना उनको ऐसा मजबूर किया क्या कि इनकी परिस्थिति को समझने के लिए और इनकी परिस्थिति के बारे में है ना ऊपर है ना सरकार को है ना समझाने के लिए इनको मजबूर कर दिया। इन 1848 द ब्रिटिश एंटर इनटू ए पीस सेटलमेंट। और 1848 ईस्वी में अंग्रेज सरकार मजबूर होकर इनके साथ है ना संधि किया। रिलीज दी खोंड चीफ। बाद में खोंड चीफ को जो अरेस्ट किया गया उनको रिलीज किया गया एंड अपॉइंटेड हिम एज द हेड ऑफ द खोंड। और उनको है ना खोंड का है ना हेड मतलब नेता के रूप में वह मुख्य प्रमुख के रूप में और उसी चीफ को बहाल किया गया। रीजनल फोकस छोटा नागपुर। और यहाँ पर क्या हो गया, इस विद्रोह के समय में जो इलाके का जो फोकस था और वो विशेष करके छोटा नागपुर का, उसके बारे में हम सुनेंगे। ये इसके बाद में क्या हो गया, संताल रिवोल्ट 1855 में संताल आदिवासी ने विद्रोह किया। ये क्या था सुनेंगे और ये कैसा था। दी संताल इनहैबिटेड इन सम पार्ट्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू बंगाल एंड प्रेजेंट डे झारखंड। ये संताल लोग है ना उस समय में भी है ना कहाँ रहते थे, ये छोटा नागपुर के प्रांत प्लाटियो पठार भाग में रहते थे, बंगाल में भी रहते थे ये लोग और झारखंड, आज जो झारखंड बना है झारखंड में मुख्य रूप से ये संताल के लोग रहते थे। दे वेज वॉर अगेंस्ट द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्निवाल्स। जो लॉर्ड कॉर्निवाल्स उस समय में भारत के अंग्रेज शासन में वो वाइसराय थे भारत के, उन्होंने जो परमानेंट सेटलमेंट का एक कानून बनाया था उस कानून के विरुद्ध में इन लोग एक प्रकार का युद्ध छेड़ दिया अंग्रेज सरकार के विरुद्ध में। दे रिबिलियन टारगेटेड द ब्रिटिश पुलिस रेवेन्यू ऑफिशियल्स एंड आउटसाइडर। और इनका जो विद्रोह था अधिकतर ये लोग किसके ऊपर हमला बोले,
अंग्रेज के पुलिस के ऊपर, और जो रेवेन्यू राजस्व जो कलेक्ट करते थे राज्य राजस्व कलेक्ट करने वाला ऑफिशियल्स के ऊपर और जो बाहर के लोग थे उनके ऊपर इन्होंने हमला कर दिया। द रिवोल्ट स्टार्टेड इन जून 1855 अंडर द सिद्धू एंड कन्नू मुर्मू। और है ना, ये जो विद्रोह शुरू हुआ था किनके नेतृत्व में हुआ था, 1855 में सिद्धू और कन्नू मुर्मू के नेतृत्व में हुआ था। द संताल्स वेर स्किल्ड इन आर्चरी। संताल सेना आर्चरी, आर्चरी किसको बोलते हैं, तीर धनुष चलाने में बहुत निपुण थे। दे कुड शूट एरोस विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड इम्पैक्ट। और वो जो तीर चलाते थे उनके तीर ना अचूक रहता था, वो जिस निशाना बनाकर चलाते थे उस निशाना पर जाके अटैक करता था। द रिवोल्ट स्टार्टेड व्हेन द संताल्स कट ऑफ पोस्टल रेलवे कंड राजमहल। और है ना, उस समय में जो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट था वो भागलपुर और राजमहल के बीच में, ये संताल लोग है ना वो रेलवे कम्युनिकेशन को है ना पूरी तरह से ध्वंस कर दिया, रेलवे और पोस्टल कम्युनिकेशन को। द एंटायर एरिया केम अंडर द कंप्लीट कंट्रोल। और ये सारा इलाका है ना ये संताली आदिवासी के नियंत्रण में आ गया। आर्म विद स्वॉर्ड्स एंड प्रिजन एरोस। और ये लोग है ना तलवार लेकर और जैसे कि भाला का जो नोक होता है ना वो नोक जैसा है ना तीर लेकर ये लोग आगे बढ़े। दे अटैक एवरी आउटलाइन यूरोपियन बंगला। और ये लोग आगे बढ़ते हुए गए, जो जो यूरोपियन मतलब यूरोप के जो पदाधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी जो बंगला में रहते थे वो बंगला के ऊपर हमला किया। दे ऑल्सो किल सम इंग्लिश रेलवे एंड पुलिस ऑफिशियल। और ये लोग आगे बढ़कर है ना कुछ अंग्रेजी है ना रेलवे पदाधिकारी को, पुलिस पदाधिकारी को जान से मार दिया। द अथॉरिटीज वेर टेकन बाय सरप्राइज। जो पदाधिकारी थे अंग्रेज के उनको ये पता नहीं था कि ये लोग इस तरह करेंगे। वेन द रिबेल्स वेर परस्यूड दे टुक शेल्टर इन द थिक जंगल। जब है ना ये आदिवासी लोगों को पीछा किया गया, ये लोग जंगल में छिप गए। टिल फरवरी 1856 दे शोड नो साइंस ऑफ सबमिशन। और 1856 ईस्वी तक है ना ये लोग किसी तरह से है ना अंग्रेज के सामने है ना सीधे पेश नहीं हुए। फाइनली द ब्रिटिश अथॉरिटीज क्रश देम। बाद में है ना अंग्रेज ने इसको इन लोग को दबा दिया। दे लीडर्स वेर अरेस्टेड एंड द मूवमेंट केम टू एन एंड। बाद में इनके जो नेता सब थे सबको बंदी कर लिया गया। बंदी करने के बाद क्या हो गया समझ गए ना, यह विद्रोह खत्म हो गया, यह विद्रोह क्या हो गया समाप्त हो गया। कितना टाइम हुआ।